बीए प्रथम वर्ष में हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता की हमने आधारभूत विशेषताएं पढ़ी या उसके सामाजिक आर्थिक धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कला और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। इससे पूर्व दो तीन वीडियो में हमने और जो टॉपिक थे वो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के वो समाप्त किए थे। आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता और सिंधु घाटी की कला और इसके पतन के कारण इस वीडियो में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रदेशों की खुदाई के दौरान अनेक मूर्तियां, बर्तन, कलश, मोहरे, आभूषण आदि प्राप्त हुए हैं जिनसे तत्कालीन कला पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अब वे कौन कौन सी कलाएं हैं जिनको सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जिनसे परिचित थे। सबसे पहले आता है भवन निर्माण कला। विशाल अन्नागार, मकान, सुनियोजित नगर आदि का मिलना सिंधु निवासियों के भवन निर्माण कला से परिचित होने का प्रमाण देता है। खुदाई में जो मकान मिले, अन्नागार मिले, विशाल अन्नागार मिले, मकान मिले, सुनियोजित नगर शैली मिली, नगरीय शैली मिली, तो इनसे ये ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वह भवन निर्माण कला में निपुण थे। दूसरे नंबर पे आता है मूर्तिकला। सिंधु निवासी मूर्तिकला में भी निपुण थे। मूर्तियां चिकनी मिट्टी, काली मिट्टी, साधारण पत्थर, सोने चांदी, पीतल, तांबा आदि से बनाई जाती थी। मोहनजोदड़ो में तांबे की बनी हुई एक कुबड़दार बैल की मूर्ति मिली है जो बड़ी आकर्षक है। खुदाई में कांसे की बनी हुई एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है जो नृत्य के हाव भाव को प्रकट करती है। इसके बाद आता है मिट्टी के बर्तन बनाने की कला। सिंधु निवासी मिट्टी के सुंदर बर्तन बनाते थे। कहीं कहीं मिट्टी के बर्तनों पर चमकीली पॉलिश भी की जाती थी। अधिकांश बर्तनों पर पशु पक्षियों के चित्र भी मिले हैं। इसके बाद आता है मोहर निर्माण कला। सिंधु निवासी मोहर निर्माण कला में भी निपुण थे। अधिकांश मोहरें चीनी मिट्टी अथवा पत्थर की बनी हुई थी। मोहरों पर अनेक पशु पक्षियों के चित्र मिलते हैं। इन मोहरों से सिंधु घाटी के लोगों के धार्मिक जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। अनेक मोहरों पर लेख मिले हैं जिनसे सिंधु निवासियों की लेखन कला के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। इसके बाद आता है संगीत नृत्य कला। सिंधु निवासी संगीत तथा नृत्य कला से भी परिचित थे। संगीत संबंधी अनेक उपकरण जैसे तबला है, ढोल है आदि भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सैंधव लोग नृत्य कला से भी परिचित थे। जब नर्तकी की मूर्ति मिली तो इससे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ के जो लोग थे वह नृत्य कला से भी परिचित थे। इसके बाद आता है धातु कला। सिंधु निवासी धातु कला में भी निपुण थे। वे धातु की मूर्तियों, खिलौनों, बर्तनों आदि के अतिरिक्त धातु से उत्पन्न अत्यंत सुंदर आभूषणों का भी निर्माण करते थे। इसके बाद आता है चित्रकला। सिंधु निवासी चित्रकला में भी निपुण थे। खुदाई में मिले अनेक बर्तनों और मोहरों पर जो चित्र बने हुए हैं वे बड़े सुंदर और सजीव हैं। सांड तथा बैलों के चित्र इस काल की चित्रकला के सर्वश्रेष्ठ नमूने माने जाते हैं। इसके बाद आता है लेखन कला एवं लिपि। सिंधु निवासियों को लेखन कला का भी ज्ञान था। दुर्भाग्य से विद्वान लोग सिंधु निवासियों की लिपि को पढ़ने में सफल नहीं हुए हैं। इनकी जो लिपि है वह कैसी है? चित्रात्मक लिपि है जिसका प्रत्येक चित्र किसी विशेष शब्द अथवा वस्तु को प्रकट करता है। सिंधु घाटी की जो एक तरीके से लिपि है वह चित्रात्मक है। चित्रों के माध्यम से उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु लिपि दाहिनी ओर से बाहिनी ओर लिखी जाती थी।
तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता में कला, और इसके साथ हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण, कि वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत और अंत क्यों और कैसे हुआ, इस विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विभिन्न इतिहासकारों ने सिंधु सभ्यता के अंत के विषय में अनुमान द्वारा तर्क प्रस्तुत किए हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। पहला है जलवायु परिवर्तन। आर एन स्टाइलिन, ए एन घोष का मत है कि सिंधु नदी के मार्ग बदलने से अनेक बस्तियां उजड़ गईं और लोग बर्बाद हो गए। डॉक्टर राजवली पांडे का कथन है कि सिंधु घाटी के क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी के मार्ग बदलने से यह सभ्यता इस क्षेत्र से समाप्त हो गई। प्रारंभ में सिंधु प्रदेश हरे भरे मैदानों, सघन वनों तथा नदियों से परिपूर्ण था, परंतु कालांतर में जलवायु शुष्क होती चली गई, जिससे पृथ्वी की हरियाली तथा वनों का सफाया होने लगा और मरुभूमि का जो प्रसार है वह बढ़ने लगा। तो इन विचारकों के अनुसार जब नदियों ने एक तरीके से सिंधु घाटी के क्रांतिकारी जलवायु परिवर्तन और सिंधु नदी ने जब अपने मार्ग बदला तो इस सभ्यता के क्षेत्र से जब समाप्त हो गई तो सिंधु प्रदेश के जो हरे भरे मैदान थे, सघन बन थे, जो नदियों से परिपूर्ण थे, वह कालांतर में वहाँ की जलवायु शुष्क होती चली गई और हरियाली तथा वनों का सफाया होने लग गया और मरुभूमि का प्रसार बढ़ने लगा, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से पतन हुआ। दूसरे नंबर पे आता है बाढ़ का प्रयोग। सर जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं एस आर राव के अनुसार सिंधु नदी की जो बाढ़ थी इस सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी थी। विशेषज्ञों के अनुसार मोहनजोदड़ो के विनाश का कारण यहाँ आई बाढ़ थी। यह नगर कई बार बाढ़ के प्रकोप का शिकार हुआ और अंत में यहाँ के निवासियों को यह नगर छोड़कर के अन्यत्र जाना पड़ा। हड़प्पा संस्कृति के अधिकांश नगर नदियों के तट पर स्थित थे और इन नदियों में प्राय प्रतिवर्ष बाढ़ का आना लगा रहता था। बाढ़ का आना एक साधारण सी बात थी। अर्नेस्ट मैके का कथन है कि चन्हूदड़ों में भी लोगों को नगर छोड़ने में बहुत अंशों में बाढ़ ही उत्तरदायी थी। तो इन विचारकों के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार, कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। मोहनजोदड़ो जो नगर था उसके विनाश का कारण भी बाढ़ बताया जाता है। उसमें भी कई बार बाढ़ें आई, उस नगर को बाढ़ों का सामना करना पड़ा। और अर्नेस्ट मैके के अनुसार चन्हूदड़ों में भी लोगों को नगर छोड़ने में बहुत अंशों तक बाढ़ ही उत्तरदायी थी। तीसरे नंबर पे आता है भूकंप। कुछ इतिहासकारों का मत है कि संभवतः किसी शक्तिशाली भूकंप के द्वारा इस सभ्यता का विनाश हुआ होगा। चौथे नंबर पे आता है संक्रामक रोग। कई विद्वानों का विचार है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया अथवा किसी अन्य संक्रामक रोग के बड़े पैमाने पर फैलने से हुआ होगा। और लास्ट में हम बात करें तो आता है बाहरी आक्रमण। अनेक इतिहासकार सिंधु सभ्यता के विनाश का एक मुख्य कारण बाहरी आक्रमण मानते हैं। गार्डन चाइल्ड ने 1934 में तथा हीलर ने 1946 में संभावना व्यक्त की कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण उत्तरदायी है। यद्यपि निश्चित रूप से ऐसा स्वीकार करना कठिन है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, किंतु उत्खनन में कुछ संख्या में प्राप्त कंकालों, जिनमें से कुछ पर बड़े पैने हथियारों द्वारा किए गए घावों के निशान भी हैं, से प्रतीत होता है कि संभवतः बाहरी आक्रमण के कारण ही इस सभ्यता का पतन हुआ होगा, चाहे वह आक्रमण आर्यों अथवा अन्य किसी जाति का रहा हो। उपरोक्त सभी कारणों अथवा इनमें से किसी एक विशिष्ट कारण से ही संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तो यहाँ हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो टॉपिक है वह समाप्त। इस सभ्यता इसका हम क्वेश्चन हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की आधारभूत विशेषताएं बताइए या सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के ऊपर प्रकाश डालिए। आज हमने इस वीडियो में पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता की कला और इसके पतन के कारण। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे वैदिक काल।